आपका एनिमीज को। जी हाँ, पोजीशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर रहने ही वाला है। बीटीआर के प्लेयर्स अब मुश्किल इनके रहेंगे। ये पहली बार जब इन्होंने स्लो पेस गेम प्ले दिखाया, एक ही किल है इस टीम के पास, पूरी टीम के पास, पहले सब प्लेयर्स के पास इंडिविजुअल एक एक किल इस टाइम तक होता, लेकिन स्लेयर की कार 98 बोलती हुई वीरो को नॉकडाउन किया है हेडशॉट के द्वारा। और आर आर क्यू भी फाइट में आ रही किंग ऑफ गेमर्स के प्लेयर्स को पिक ऑफ करने की कोशिश, लेकिन टीम सीक्रेट सर्कल उनको काफी दंडित करने वाला है अभी। बिल्कुल, वो तो जरूर होगा क्योंकि काफी सारे टीम्स को अभी अंदर आना पड़ेगा। और बीटीआर देखिए आप फिर से सर्कल के काफी करीब है, ऑलरेडी एक प्लेयर जा चुके हैं वहां से, उन्होंने स्काउटिंग भी कर लिया। और सेल्स के रॉक्स को यहाँ पे लक्सी ने जरूर स्पॉट आउट कर दिया। एमजे यहाँ पे एक पेड़ का कवर लेके बैठे है, बट एंगल्स अगर मिलेगा तो बहुत दिक्कतों में फंस सकते हैं। बट रॉक्स ने यहाँ पे राइजन का बहुत ही प्यारा नॉक निकाला, बट लक्सी वहां पे इंस्टेंटली मौजूद है, उनको रेव जरूर मिल जाएगा। बट आतंकी क्या ये कुछ यहाँ पे कमाल दिखा सकते, क्योंकि माइक्रोबॉट जल्दी से ऊपर चले तो गए थे, यहाँ पे शॉट्स भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक बहुत ही संगीन फाइट छिड़ने वाली है। मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है बीटीआर के साथ और सेल्स के साथ। आरआरक्यू पर नोवा गॉडलाइक के वैम्पायर को पिक ऑफ कर रहे हैं और यू इलेवन आपके प्लेयर्स टीम आईएनटी से फाइट ले रहे हैं। आरआरक्यू के प्लेयर्स यहाँ पर नोवा गॉडलाइक के सामने आप देख सकते हैं, टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन होता हुआ सर्कल भी उनको दिक्कतें दे रहा था। और किंग ऑफ गेमर्स के प्लेयर्स जो सर्कल के बाहर थे वो भी फाइट लेते, लेकिन मावी ने वहां पर राइजन को पिक ऑफ कर लिया है, मावी ने सेल्स एनजे को भी पिक ऑफ कर लिया है। ये फाइट ऑरेंज चौक के खाते में जा सकती है, एंड ऑरेंज चौक एक बहुत डोमिनेटिंग तरीके से फाइट्स निकाल रही है। आरआरक्यू के प्लेयर्स भी यहाँ पर नोवा गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट्स निकाल रहे हैं और सर्कल के एज पर फाइट रह रही है, लेकिन इनको नीचे का एरिया देखना पड़ेगा क्योंकि वहां से अगर किंग ऑफ गेमर्स ने चाह तो वो आ सकते हैं। मीनवाइल ऑरेंज रॉक फिर से टीम आईएनटी स्लेयर और स्नैक्स को पिक ऑफ किया यहां पर वीरू ने। यस, और ऑरेंज रॉक और आईएनटी के बीच में बहुत ही बेहतरीन फाइट चलती हुई, वीरू इंस्टेंटली स्नैक्स को फिनिश भी कर देगा और चाशिन ने यहां पे स्लेयर का किल अपने नाम कर दिया। बट इसी के साथ नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स यहां पे बिल्कुल अपने ही जगह पे अड़े हुए हैं, यहां से हिल भी नहीं रहे। बट ऑरेंज रॉक की आप पोजीशनिंग देखिए बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, प्लेयर्स के पास अच्छा खासा कवर है, यहां पे रिजेस भी है, स्मोक्स भी इन्होंने परफेक्ट डाल रखे क्योंकि बीटीआर उनके पीछे से आने वाली। और इसी के साथ सर्कल ने फिर से करवट ले ली, बट ऑरेंज रॉक के फेवर पे अभी भी है। ऑरेंज रॉक और बीटीआर दोनों के फेवर, लेकिन बीटीआर के फेवर में एक चीज नहीं है, वो है प्लेयर्स एडवांटेज। बीटीआर के दो प्लेयर्स बचे हैं इस पूरी फाइट में। प्लेयर्स जोन वहां पर किंग ऑफ गेमर्स के पफर को लेकर जाता हुआ, ग्रेनेड्स का थ्रोएबल्स का यहां पर काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन दिख रहा है। टीम आईडी 420 ओआर के स्काउट को लेकर जा रहे हैं। अल्ट्रॉन ने वहां पर बॉक्स लोकी को ग्रेनेड से डाउन किया था और बॉक्स लोकी अब उनके लिए मुश्किलें बन जाएंगी। और प्लेयर्स जोन के द्वारा टीम आईएनटी का यहां पर एलिमिनेशन, बट बॉक्स ब्रेक सेल्स के आतंकी को और अल्ट्रॉन को एक ग्रेनेड से सीधा नॉकआउट करेंगे। यस, और इसी के साथ बॉक्स के प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करते हुए यहां पे पैराडाइज रिसॉर्ट को, लुइस जरूर नॉक्ड आउट है बट ये यहां पे हिलना नहीं चाहेंगे, बहुत ही कम कोशिश रहेगी, बहुत ही कम परसेंटेज है कि यहां पे जाके उनको नीचे बचा सके क्योंकि इतना छोटा एरिया हो चुका है ऑलरेडी। 24 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। चाशिन ने वहां पे नोवा गॉडलाइक के रायत को नॉक कर दिया, फाइनली नोवा गॉडलाइक का फाइट देखने को मिलता हुआ और यहां पे अच्छा खासा आंसर भी आता हुआ, चाशिन को फिनिश कर चुके बियर 11। इसी के साथ यू लेवल अप की स्क्वाड भी हो चुकी है एलिमिनेट। बीटीआर माइक्रोबॉय भी फाइट्स के अंदर आते हैं, वो फाइट्स के अंदर आते हुए देखिए लेट्स सी किस तरीके से फाइट्स जाती हैं। प्ले जोन की ओजी पफर को लेकर जाता हूं, बियर 11 का ग्रेनेड हस्तर को लेकर जाता हूं। 21 लोग जीवित, 60 टीमें बची हमारे पास। छठा सर्कल और पैराडाइज रिसोर्ट के बाहर निकलना पड़ेगा सब प्लेयर्स को क्योंकि पैराडाइज रिसोर्ट के बैक एंड पर ये पूरी फाइट्स रहेंगी। वहां पर ऑरेंज रॉक ने अपना एक तरीके से एरिया बना रखा है। जीना इनका ग्रेनेड वहां पर वैम्पायर को लेकर जाता हूं और रैत को भी लेकर जाता हूं, लेकिन अब सारी की सारी फाइट्स यहां पर पटकर रह जाएंगे जब आरआरक्यू के अगेंस्ट एमजे रहेंगे। एंड ही टेक्स हिम डाउन, टेक्स वन पर्सन डाउन, फिनिशेस हिम। एमजे इज स्पॉटिंग द सेकंड प्लेयर, ओरजी के बिल्कुल सामने रहेंगे सेकंड प्लेयर एमजे के, वहां पर बिल्कुल फाइट लेने के लिए तैयार, लेकिन सर्कल का भी डैमेज था इसीलिए थोड़ी सी मुश्किलें हो गई और आरआरक्यू अर्नी को वो किल मिलता हुआ। कैसे ओशन यहां पे आरआरक्यू ने फाइट लिया दो स्क्वाड्स के साथ साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक इन्होंने फिनिश किया और आरआरक्यू जिस ले में चल रही है उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। माइक्रो अकेले बचे, बीटीआर की तरफ से नोवा गॉडलाइक के अभी भी प्लेयर जिंदा है, तो थोड़े से प्लेयर्स रह गए थे दूसरे कंपाउंड के अंदर। हस्तर और स्मोकी के पास सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है यहाँ पे अपनी टीम को ये चिकन डिनर हासिल करवाने के लिए। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, 5 टीमें बची हमारे पास, 13 लोग जीवित इन पूरी फाइट्स के अंदर और बीटीआर के सिर्फ माइक्रोबॉय बचे हैं। बॉक्स वहां पर ऑरेंज शॉक स्काउट को पिक ऑफ कर रहे हैं। क्या ये बीटीआर का अभी के लिए खराब गेम प्ले होगा क्योंकि माइक्रोबॉय आप देखिए खराब तो नहीं है बट ऑफिस को टॉप 5 में लेकर आ चुके, लेकिन माइक्रोबॉय सर्कल के बाहर, वो सर्कल के अंदर नहीं आए अभी तक, उनको सर्कल पनिश कर रहा है। लेफ्ट टू दैट हील बैटल आउट देयर और ओआर के मोमेंट रिवाइवल दे रहे हैं अभी के लिए। बॉक्स के ब्रेक भी प्लेस को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्काउट की हेल्थ आप देख सकते हैं काफी कम है, बट दिन अपनी हेल्थ लगा लेंगे, चलते वो हील कर रहे हैं खुद को। मावी आगे जाते हुए वीरू टीवी भी ले रहे हैं सामने और बॉक्स की स्क्वाड ही इनके बिल्कुल सामने रहेगी। गेल यहां पर माइक्रोबॉय को फिनिश करते हुए सर्कल भी उनको पनिश कर रहा था। नंबर 1 सीजन रैंक हैज बीन टेकन डाउन।
आउट इन दिस वन, चार टीमें और 12 लोग जीवित। बिल्कुल, और इसी के साथ ऑरेंज रॉक को यहाँ पे सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ओपन एरिया है। मवी यहाँ पे बहुत ही अच्छा रूट लेते हुए, बट उनके ऊपर शॉट भी आ रहे हैं और मवी को एक्जैक्टली पता चल चुका है एनिमी क्या है। गिल का बहुत ही बेहतरीन कवर फायर आता हुआ बियर 11 को नॉकआउट कर चुके, ये एक सही मौका है यहाँ पे ऑरेंज रॉक को अगर आरआरक्यू के साथ फाइट लेने के लिए तो यही टाइम है कि आगे जाके पुश करे। बट दिक्कत यहाँ पे कि बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे उनको जाने देते, मोलोटोव टू परफेक्शन, आरआरक्यू बियर 11 हैज बीन टेकन डाउन बाय ऑरेंज रॉक। स्काउट चल क्या रहा है ओशन, यहाँ पे मोलोटोव डाल कोई रहा है, किल कोई और ले रहा है। मैं बता दो क्या चल रहा है, जीतने की तैयारी चल रही है ऑरेंज रॉक के द्वारा। 9 किल्स निकाल चुकी है टीम अपने लिए, आरआरक्यू के नहीं बचे हैं, बॉक्स की स्क्वाड है लेकिन नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स भी बचे हैं, हस्तर और स्मोकी। बट ऑरेंज रॉक मैन एडवांटेज बहुत अच्छा, गेम एडवांटेज बहुत अच्छा है, और जी खुद को बचाना चाहेंगे बट मुश्किलें बन जाएंगी क्योंकि आगे उनको ओपन में आना ही है। यहां पर किल हस्तर को भी पिक ऑफ कर रहे हैं एंड फिनिश ऑफ भी किया जाएगा, किल के पास 5 किल्स है और साथ के साथ ब्रेक को भी स्पॉट किया, ऑलमोस्ट सेकंड नाउ बट प्लेस ऑन टेक्स ऑन नोवा के स्मोकी एज वेल। एंड अब बचती हैं तीन टीमें, उसमें ऑरेंज रॉक है, उसमें बॉक्स गेमिंग है और आरआरक्यू का एक तो बट स्काउट काफी आगे आ चुके थे, मुश्किलें उनके लिए हो सकती है। अर्ली टेक्स हिम डाउन एंड फिनिशेस हिम साइड बाय साइड, बट विद दैट इट्स गोना बी द एंड फॉर आरआरक्यू एज वेल। ऑरेंज रॉक वर्सेस बॉक्स, द डैमेज वाज डन। क्या ऑरेंज रॉक यहां पर पहला चिकन डिनर निकालेगी इंडियन टीम्स की तरफ से, देखना पड़ेगा क्योंकि वीरू तैयार है। स्पॉट्स इज द वन, दिस इज ऑरेंज रॉक फॉर यू गाइस। बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया ओपी एंड दैट इज व्हाट ऑरेंज रॉक डिड, दे ऑब्लिटरेटेड एवरीथिंग। This is it, Ocean. I mean, what could you better want right now? Jis prakar se Orange Rock ne khela tha, hats off performance and special credits to Orange Rock Gill.